हे गाइस एंड वेलकम बैक। ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि न्यू डिस्क पैड जब आप डिस्क ब्रेक्स में चेंज करते हैं उसके बाद जो व्हील है वो कभी कभार होता है कि वो फ्रीली रोटेट करना बंद कर देता है। वहाँ पर फ्री रोटेशन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, बहुत ही अटक अटक के जो है व्हील रोटेट करता है और बाइक का बैलेंसिंग में इसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है। डिस्क प्लेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हीट होने लगेगा आपका और ओवरऑल बाइक का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी हद तक डाउन हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं ये कितना हद तक फ्रीली रोटेट कर रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसे मुझे बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगा के घुमाना पड़ रहा है और इसे छोड़ने के बाद ही ये रोटेट करना बंद हो जा रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये कंडीशन है अभी ये व्हील का। तो आप आपका व्हील घुमा के चेक कीजिए, अगर आपके कंडीशन भी कुछ इस तरीके का है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगर किसी मैकेनिक आपको कहते हैं कि ये न्यू डिस्क पैड डालने के बाद ऐसा होता है तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल भी फ्रीली मूव करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्यों होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। अब जब न्यू डिस्क पैड डालते हैं तो पिस्टन जो है वो कैलिपर के बहुत ही अंदर तक चला जाता है और उससे क्या होता है उसका जो फ्री प्ले है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। और अगर आपका जो कैलिपर का ऑयल सील है वो पुराना हो चुका है तो उसके अंदर पिस्टन जो है वो जैम हो जाता है, वो उतनी अच्छी तरह से प्ले नहीं हो पाता, क्योंकि जब आप ये ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पिस्टन बाहर आता है सिलेंडर से और फिर जब आप लीवर को छोड़ते हैं तो वो प्रेशर में ये थोड़ा सा बैक में आना चाहिए। वो अगर आपका ओरिंग जो है यानी कि पिस्टन का जो ऑयल सील होता है वो जब पुराना हो जाता है तो उसके अंदर में ये प्ले बिल्कुल भी बंद हो जाता है, पिस्टन भी बिल्कुल भी प्ले नहीं होता है और इसीलिए वो जो है हर वक्त डिस्क पैड को आपका डिस्क के जो प्लेट है उसके साथ लगा के रखता है। तो इसी के लिए हमारा यहाँ पर जो है व्हील का प्ले कम हो जाता है। आप देख सकते हैं मैं आपको अभी इसके खोल के दिखाता हूँ कि इसका कंडीशन क्या है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आपको इसे ठीक करना है। तो मेरा डिस्क का कंडीशन आप देख लीजिए, बिल्कुल भी नया डिस्क पैड था। तो इसे डिसअसेंबल करना काफ़ी आसान है। ये दोनों पिंस जो है, ये दोनों पिंस को आपको ऐसे करके निकालना है। इसके बाद ये जो स्लाइड पिन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये स्लाइड पिन ऐसे करके यहाँ से निकल आएगा और उसी के साथ ये जो दोनों प्लेट्स हैं डिस्क पैड्स, ये दोनों पैड्स यहाँ से निकलेंगे। अब देख सकते हैं ये जो है ये डिस्क पैड जाके यहाँ पर बैठता है, तो इसे निकलना है। यहाँ पर एक स्प्रिंग होता है जो ये दोनों प्लेट्स को ऊपर की तरफ पुश करके रखता है, तो ये प्लेट्स को भी निकल लेना है। ये प्लेट्स का एक डायरेक्शन भी होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरो मार्क जो है ये नीचे की तरफ फेस करना चाहिए, मतलब कि आउट फ्रॉम द कैलिपर। तो अगर आप ऐसे करके पिस्टन में कैलिपर में लगा रहे हैं तो ये बैठेगा ऐसे करके, ये एरो मार्क करेगा नीचे की तरफ। अभी ये दोनों जो चीज़ है ये दोनों भी निकलते हैं, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल भी फ्री प्ले यहाँ पर नहीं है। ये जो दोनों चीज़ है ना, ये दोनों अलग होते हैं ऐसे करके, ठीक है, और ये दोनों के अंदर फ्री प्ले होना चाहिए। जब ये जैम हो जाएगा ना तब ये जो डिस्क ब्रेक है ये जैम हो जाएगा और आपका जो ब्रेक लीवर है उसमें एक स्पॉन्जी फीलिंग आ जाएगा। तो ये दोनों बिल्कुल भी यहाँ पर फ्री होना चाहिए, ऐसे करके मूव होना चाहिए।
तो अभी हम इसे बिल्कुल क्लीन करेंगे। तो अभी मैं यहाँ से ये दोनों जो पिस्टन है ये निकालूंगा। तो इसे निकलने के लिए मैं प्लायर का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि जब प्लायर का यूज़ होता है तो यहाँ पर आपका जो पिस्टन है ये पिस्टन के ऊपर टीथ का स्पॉट बैठ जाता है, और जब पिस्टन आप अंदर डालेंगे तो होगा क्या, ये पिस्टन जाके अंदर वाला ऑयल सील्स जो है उसे ब्रेक कर देगा। तो मैं यहाँ पर प्लायर का यूज़ नहीं करूँगा। तो इसे आपको ऐसे करके पकड़ना है और ब्रेक लीवर को दबाना है, और आप देखेंगे कि यहाँ से पिस्टन जो है ये बाहर आ रहा है। पर एक पिस्टन ज़्यादा बाहर आ रहा है और एक कम आ रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक टी रेंच का यूज़ करूँगा। आप देख सकते हैं टी रेंच रहने के लिए यहाँ पर कोई भी, आप यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं दोनों पिस्टन ही एक साथ बाहर आ रहा है। अभी मैं इसे निकाल के यहाँ पर कोई पतला स्क्रू ड्राइवर डाल दूँगा। तो ये पोजीशन में जब ये आ जाएगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बाहर आ गया है। तो ये अभी प्लायर से हम निकाल सकते हैं ऐसे करके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारा डार्ट एक्यूमुलेटेड हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ जाके जो है पिस्टन और रिंग्स के अंदर यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, और पिस्टन का जो फ्री प्ले होता है वो कम हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये ऑयल सील्स को रिप्लेस करेंगे। इसका कंडीशन देखो भाई लोग, बिल्कुल डैमेज हो गया है ये ऑयल सील्स, तो इसे निकालना है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर कोई पीक टूल का यूज़ करेगा, पर मेरे पास ये ऑल इन वन स्क्रू ड्राइवर है जिसे मैं इसे निकालने वाला हूँ। अभी आपको कोई पतला सा वायर लेना है, और उससे आपको ये जो ग्रुप्स है जिसके अंदर ये रिंग्स बैठता है वो सारे ग्रुप्स को इंडिविजुअली आपको अच्छी तरह से क्लीन करना है। इसके अंदर आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा डेब्री जो है बैठ जाता है। अगर आप बेबरी का कोई भी आपके पास कैलिपर है, बुलेट हो या पल्सर हो या फिर यामाहा हो या फिर सुजुकी का हो, एज लॉन्ग एज इट इज़ बेबरी, इसका जो ऑयल सील्स है और डस्ट सील्स है वो सेम होता है। यहाँ पर मैं पल्सर 220 का कैलिपर माइनर किट यूज़ कर रहा हूँ, जो यहाँ पर मेरा FZR का कैलिपर में डायरेक्टली फिट होता है। तो इसी के साथ एक पैकेट में थोड़ा सा ग्रीस दे के ये लोग भेजते हैं, तो ये ग्रीस का इस्तेमाल आपको करना है ताकि आसानी से ये रबर स्लिप करके ये ग्रूव के अंदर चला जाए। थोड़ा
थोड़ा सा ग्रीस आपको ये ओरिंग्स को भी लगाना है ताकि ये आसानी से बैठ जाए। ये बाई डायरेक्शनल होता है, किसी भी डायरेक्शन से आप लगा सकते हैं। और लगाने के वक्त आपको बस एक साइड को पकड़ के ये ग्रूव में लगा देना है और अपने आप ये चारों साइड से ग्रूव में चला जाएगा। इसे लगाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप इसे लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बैट क्या है। अभी इसी तरह से आपको चारों रिंग्स को लगा देना है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा डस्ट सील्स। तो डस्ट सील का जो ओरिंग्स होता है वो भी वो पल्सर के लिए यहाँ पर ब्लू कलर का होता है और ये ज़्यादातर ख़राब नहीं होता है, तो आप पिछले वाला डस्ट सील भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसे लगाने से पहले आपको माइनर किट में जो इंसुलेटर और रबर बूट आता है उसे भी आपको चेंज कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं न्यू इंसुलेटर को इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो इस साइड से आपको इसे अंदर डालना है और अगर आप इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे तो इसे लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अभी हम ये जो एंकर पिन्स है इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। अगर इसके ऊपर रस्ट लग जाता है कभी कभार, तो आपको रस्ट को एक पतला सा सैंड पेपर से सैंड करके रस्ट को हटा देना है। जब बूट्स और इंसुलेटर ख़राब हो जाता है तो क्या होता है, इसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा सैंड पार्टिकल्स और वाटर जो है अंदर चला जाता है, जाके ये जो एंकर पिन्स है इसे रस्टी बना देता है। तो इसे आपको क्लीन कर लेना है और ये पैकेट में दी गई जो ग्रीस है उससे एंकर पिन्स को ग्रीस करने के बाद आपको बूट को लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पार्ट है ये अंदर जाएगा इसके और ये हमारा लग गया रबर बूट। तो बूट का प्ले आप देख सकते हैं, ठीक ऐसा ही प्ले हमारे लगाने के बाद भी ऐसा ही प्ले रहेगा। तो ग्रीस करने के बाद पिस्टन को हम ऐसे करके पिस्टन को लगा लेंगे और उसके बाद हाथ से प्रेशर देके हमें थोड़ा सा इसे अंदर धकेल देना है और ये आसानी से अंदर चला जाता है। अगर हाथ से आप पुश नहीं कर सकते हैं तो आप कोई भी यहाँ पर सॉकेट लगा के एक हैंडल की मदद से इसे प्रेस कर सकते हैं और ये आसानी से बहुत ही आसानी से अंदर चला जाएगा। अभी इसके बाद वाला पार्ट मैं यहाँ पर एक सी क्लैंप का यूज़ कर रहा हूँ। सी क्लैंप, जी क्लैंप, बहुत सारा नाम है इसका। तो ये क्लैंप लगाने के बाद आप लेफ़्ट और राइट पिस्टन को ऑल्टरनेटिवली टाइट करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से पूरा अंदर तक चला जाएगा। तो अभी हम एंकर पिन्स को ग्रीस कर लेंगे और इसके बाद से हम कैलिपर में लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा बूट लॉक। अभी इसके अंदर से ज़रा सा भी पानी अंदर नहीं जाने वाला है और ये जो प्ले अभी आप देख सकते हैं, ये प्ले अगर आपका कैलिपर में आ रहा है तो आपका कैलिपर बिल्कुल ही ठीक कंडीशन में है, और नहीं आ रहा है तो आपको बूट और इंसुलेटर को रिप्लेस करना है। तो अभी हम यहाँ पर डिस्क पैड्स को लगा लेंगे और डिस्क पैड को सीटिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको अगर डिस्क पैड अच्छी तरह से अंदर में सीट नहीं होगा तो ये पिन आप यहाँ पर नहीं लगा सकेंगे। तो ऐसे करके आपको इसे लगा देना है और फिर आपको लॉक पिन्स को इंसर्ट कर देना है। और इसके बाद वाला पार्ट जो है इसको बस आपको आपका सस्पेंशन से माउंट करना है और ब्लीडिंग प्रोसेस करना है। तो ब्लीडिंग प्रोसेस मैं ये वीडियो में कवर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि तब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा।
ऑलरेडी मैं ब्लीडिंग का प्रोसेस बना चुका हूँ, आप आई बटन में क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप कभी ना कभी आपका बाइक के थ्रू आउट लाइफ में ये प्रोसेस से आपको ज़रूर गुजरना है, तो मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।